गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाथ हिला दें बच्चे अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग दूसरे गतिविधि की तरफ बढ़ेंगे, आनंदम की। तो क्या कोई विद्यार्थी साझा करना चाहेंगे कि कल हमने कौन सी गतिविधि करी थी? हाथ उठा दें जिस भी स्कूल से बच्चे शेयरिंग करना चाहें। आप लोगों को याद है कल आप लोगों ने क्या किया था आनंदम की क्लास में? कौन सी गतिविधि करी थी? जी, आईसी किशु से बच्चे हाथ उठा रहे हैं। बच्चे माइक ले लें। माइक ऑन करके बोले। सर माइक चेक कर ले जीआईसी के इशू में। जीआईसी तपोवन से शेयर करना चाहेंगे क्या कोई स्टूडेंट्स? जीआईसी तपोवन में आवाज आ पा रही है? माइक ऑन कर दे मैम। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम? माय नेम इज आयुष कन्याल। आयुष कन्याल। जी, तो कल हमने आनंदम की क्लास में क्या किया था? हमने अपने दोस्तों का चित्र बनाया था और उनके बारे में दो अच्छी बातें लिखी थी। धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो आप बता सकते हैं क्या उस गतिविधि का क्या नाम था? किसी विद्यार्थी को याद है वो गतिविधि का नाम क्या था? समानता। हाँ, हमारी समानताएं। धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो आपके बहुत सारे दोस्तों ने आप लोगों के चित्र बनाए थे और आपके टीचर्स ने भी हमसे वो साझा किए थे गूगल फॉर्म पे। काफी अच्छा लगा देखकर। आप सभी ने बहुत ही अच्छी यूनिक बातें अपने दोस्तों के बारे में लिखी थी। तो जिस दोस्त के बारे में चित्र बनाया गया उसे कैसा महसूस हो रहा था? जिसका चित्र उसके सहयोगी ने बनाया था उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उनके बारे में उन्होंने देखा कि दो अच्छी बातें लिखी हैं? जीआईसी मुझे अच्छा खिरसू महसूस हुआ। जी, धन्यवाद जीआईसी तपोवन से। अब जीआईसी खिरसू के पास हम चलते हैं। प्लीज माइक चेक कर लें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका मैम नाम? मेरी दोस्त को अच्छा लगा। माय नेम इज भावना रावत। भावना। भावना, आपने किस दोस्त का चित्र बनाया था कल? अंकिता। अंकिता है अभी आपकी क्लास में? हाँ, अंकिता को माइक दीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अंकिता। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपकी दोस्त ने आपके बारे में दो अच्छी बातें लिखी? बहुत अच्छा। अच्छा महसूस हुआ। इसके अलावा कुछ स्पेशल फील हुआ क्या आपको? जी और आपने किसके बारे में अच्छी बातें लिखी थी? भावना। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे के बारे में लिखी थी। पक्की सहेली। जी ठीक है, थैंक यू शेयर करने के लिए। तो आज हम लोग जो है हम अगली गतिविधि की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक चेक इन प्रोसेस कर लेते हैं। तो सभी विद्यार्थी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें या नीचे की तरफ भी देख सकते हैं।
अब अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो वापस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करें। जब भी आप सहज महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो पहले हम लोग पूछ लेते हैं कुछ बच्चों से कि आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आज वो अपनी भावनाओं के बारे में कुछ बताएं, कैसा उनको लग रहा है। मुझे बहुत उत्साहित महसूस हो रहा है क्योंकि आज आप लोगों के साथ फिर से एक गतिविधि संचालित करने का मौका मिला है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। जीआईसी ग्वाल धाम से कोई शेयर करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझे एक लड़की बात करना चाह रही है। कैसा जी सर। लग जी रहा सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? गुड मॉर्निंग, आपका नाम? माय नेम इज रोशनी देसाई। जी, आपको कैसा जी, महसूस हो रहा है आपको बच्चे? कैसा महसूस हो रहा है बच्चे? मैम आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छे के अलावा कोई और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या हम? कोई और भावना? जी, माइक थोड़ा सा पास जी रखें माइक अपने। थोड़ा सा पास रखें अपने। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा माइक लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो ये ठीक है, अच्छा अच्छा के लग रहा है। तो अलावा ये कोई और अच्छा के शब्द अलावा किसी कोई बच्चे और के पास शब्द है क्या? किसी गुड मॉर्निंग। मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही धन्यवाद। है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मुझे आप भी सबके बहुत साथ खुशी हो रही है वर्चुअली आप कनेक्ट सबके साथ होके। वर्चुअली कनेक्ट होके। ठीक है, किसी और स्कूल से ठीक कोई है, किसी बच्चे और शेयर स्कूल करना से कोई चाहेंगे? बच्चे शेयर करना चाहे। अच्छा, और खुशी के अलावा आपको क्या महसूस हो रहा है? जब आपको माइक पर बोलने का मौका मिलता है उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीआईसी दून परेवा में मेरी आवाज आ पा रही है क्या? आ रही है तो बच्चे थम्स अप करें। हाथ उठाओ। जी मैम, आ रही है। जी, गुड मॉर्निंग हेलो। सर। हाँ मैम। हाँ, बच्चे किधर हैं? जी सर, आप किसी बच्चे को माइक पकड़ा दें। जी मैम, दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज ममता। जी ममता, तो मैम कैसा महसूस हो रहा है? मैम अच्छा हो रहा है। अच्छा, और मैम आनंद खुशी के लायक हो रहा है। अलावा आनंद महसूस हो रहा है। ठीक है, तो जब आप लोगों को माइक मिलता है बोलने के लिए तब कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद ममता शेयर करने के लिए। अब हम आज की आगे की तरफ, नेक्स्ट गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी आज की गतिविधि का नाम है आओ धन्यवाद करें। तो इसमें जो है टीचर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हमको चाहिए होगी इस गतिविधि के दौरान। तो जब तक बच्चे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक चार्ट पेपर, टेप या ग्लू का अरेंजमेंट कर ले। अगर चार्ट पेपर नहीं है तो कोई न्यूज़पेपर का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं जब तक बच्चे इस गतिविधि को करेंगे, या किसी अन्य क्लास के बच्चे से भी आप ये मंगवा सकते हैं।
तो आज बच्चों हम लोग कृतज्ञता की एक दीवार बनाएंगे। आप सभी को, आप सभी के पास डायरी और पेन है ना, सभी बच्चों के पास? ठीक है, काफी सारे स्कूल्स में डायरी और पेन हम देख पा रहे हैं। तो आपको डायरी और पेन में किन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में लिखना है जिनके लिए आप कृतज्ञता का भाव आज रखते हैं, जिन्होंने आपकी मदद की हो, आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट किया हो, या जिनसे आप प्रेरित हुए हो, उनके बारे में आपको लिखना है। और क्योंकि कल आप सभी ने अपने मित्र का चित्र बनाया था, तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने दोस्त के अलावा आप किसी के बारे में लिखें। आपके परिवार से हो सकते हैं, मोहल्ले से हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी आपको सपोर्ट किया है या कुछ भी अच्छा काम किया है जिनके प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उन दो व्यक्तियों के बारे में आप लिखें। एक पेपर में, कोई भी रफ पेपर में आप लिख सकते हैं जिसे बाद में आप फाड़ सकें। और यदि बच्चों को सोचने में मुश्किल हो रही है तो जो दूसरे शिक्षक कक्षा में हैं वो भी उनको मदद कर सकते हैं सोचने में। जीआईसी ऋषिकेश में मैं देख पा रही हूँ काफी सारे बच्चे एक क्लास में हैं। क्या सभी के पास डायरी पेन है तो ऊपर दिखाएं। जीआईसी ऋषिकेश में क्या जीआईसी ऋषिकेश में मेरी आवाज पहुंच पा रही है बच्चों को? तो बहुत सारे शिक्षक जो है वो चार्ट पेपर भी ले आए हैं। थैंक यू मैम एंड सर। और बाकी बच्चे मुझे उम्मीद है कि लिख रहे होंगे आज किसके प्रति कृतज्ञता का भाव वो रख रहे हैं। आपके मम्मी पापा, ट्यूशन वाली दीदी, सब्जी वाले भैया, दुकान वाले अंकल, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी मदद की है या जिनसे आप प्रेरित हुए हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे। जी अब हम देख पा रहे हैं जीआईसी ऋषिकेश के स्टूडेंट्स को। हाँ, सब बच्चे हाथ हिला रहे हैं। डायरी पेन है क्या सबके पास? तो डायरी पेन दिखाएं ऊपर। अभी हम सिर्फ हाथ ही देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप सबके पास नीचे डायरी पेन होंगे, तो उनमें किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बारे में आप लिखें। जी 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 अब दिख रहे हैं। थैंक यू। मैं आज कृतज्ञता का भाव दो लोगों के लिए महसूस कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो सभी शिक्षक गण हैं जो आप सभी की क्लास में उपस्थित हैं, क्योंकि उनके सहयोग से ये कक्षा रोज संचालित हो पा रही है, तो उनके लिए एक कृतज्ञता का भाव आज मेरे अंदर है। और दूसरा जो है, आज हम वर्चुअल लैब से आप सबके साथ कनेक्टेड हैं, तो वर्चुअल लैब में जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए भी हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप सभी से हम लोग फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, पर ऑनलाइन सब बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे ही आप भी किन्हीं दो लोगों के लिए आज लिखिए। तो जिस भी स्कूल से विद्यार्थियों ने लिख लिया हो वो हाथ उठा सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, कोई भी एक साइन कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि आप लोगों ने लिख लिया है। जीआईसी ऋषिकेश से शायद सबने लिख लिया है, तो जीआईसी ऋषिकेश से प्लीज कोई विद्यार्थी शेयर करें आज किन के लिए कृतज्ञता का भाव आपने महसूस किया है। अभी काफी सारे बच्चे हाथ उठा रहे थे जीजीआईसी ऋषिकेश में।
जी ऐसी हरमानी में बहुत सारे विद्यार्थी दिख रहे हैं कुछ लिखते हुए, पीछे वालों ने शायद लिख लिया है, वो शेयर कर दें। जी हेलो, ये कौन? हाँ गुड जी मॉर्निंग जी मैम। जी आई सी कर्ण प्रयाग जी, गुड मॉर्निंग जी जी आई सी, मेरा नाम संजना है। जी मेरा संजना, नाम संजना है, मैं जी जी आई सी स्कूल की हूँ, कर्ण प्रयाग। जी संजना और बताएं। मेरी दोस्त रेणुका, जब मेरे पास पेन खत्म हो जाती है तो हमेशा वो मेरी हेल्प करती है, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है। और ठीक कशिश, है। जब हाँ, बोलो संजना बोलो। कशिश हमेशा मेरे साथ रहती है, जब मुझे स्कूल में जो मेरा काम छूट जाता है, कभी मैं स्कूल की, कभी मेरे से अचानक मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं स्कूल नहीं आती हूँ, तो कशिश मुझे हमेशा काम बताती है। और एक दिन मेरा जब मार्क्स घर में छूट गया था और मैम, मुझे लगा कि मैम मुझे डांटेगी, तो उसके पास एक नया मार्क्स था, उसने अपना नया मार्क्स मुझे दे दिया। वो बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। धन्यवाद संजना, धन्यवाद। आपने अपनी दो सहेलियों के बारे में बताया जिनके प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं, और बहुत अच्छा लगा जानकर कि वह आपकी मदद करती हैं। पर मैं अगले विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने मित्र के अलावा किसी और के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोगों ने कल गतिविधि में आपके मित्र को ही धन्यवाद दिया था, तो उसके अलावा अपने परिवार, मोहल्ले में किसी के बारे में आप बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा नाम तनुजा है मैम, मैं जी जी आई सी कनप्रयाग से हूँ। जी। मैम एक बार मैम हम घर जा रहे थे रास्ते से मैम, तो मैम हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने बैठ गई थी मैम। उस दिन हमारे साथ कोई नहीं था, और मैम एक आंटी थी मैम, उन्होंने मैम एक आंटी ने मेरी मदद की मैम, मुझे मेरे घर तक भेज दिया था मैम उस दिन। और मैम उस दिन से मैम वो आंटी जब भी मेरे को मिलती है तो मैम मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम। उन आंटी ने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी उस दिन मैम। थैंक यू। थैंक यू तनुजा शेयर करने के लिए। काफी अच्छा आपने बताया कि आज आप उन आंटी के प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं जिन्होंने आपकी मदद की थी। धन्यवाद। और कोई विद्यार्थी शेयर करना चाहेंगे? जी आई सी ग्वाल धाम जी आई सी ग्वाल से कोई? धाम जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं सबसे अच्छा अपनी ताई को मानता हूँ। मैं भी पूजा में मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो मेरी ताई ने मेरी देख रेख की थी। अभी तक मेरी ताई मेरी देख रेख करती है और मैं उनको अच्छा मानता हूँ। आपका नाम क्या है? मैं मेरा नाम पांच रावत है। ठीक है, धन्यवाद बच्चे शेयर करने के लिए। बहुत अच्छे से आपने बताया कि आप अपनी ताईजी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि वो आपके लिए कितना आपकी मदद करती हैं। दूसरे स्कूल के पास हम चलते हैं। जी आई सी पबाऊ।
जी ऐसे पबाव में आवाज आ रही है तो बच्चे प्लीज माइक ले लें। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी आगे बोलिए। अच्छा उन्होंने आपको डांट पढ़ने से बताया। धन्यवाद ये तो काफी अच्छा सहयोग उन्होंने किया आपका। एक और स्कूल से हम इस पे शेयरिंग ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जीआईसी चंबा से कोई विद्यार्थी शेयर करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम बताएं। माई सेल्फ गौरव सजवान। जी गौरव आज सुबह सुबह आपकी कक्षा में ऐसा झगड़ा क्यों हो रहा है? पता नहीं एक दूसरे को मार। अच्छा ठीक है तो गौरव आप साझा करना चाहेंगे कि किसके प्रति आज आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं? दोस्तों के प्रति। तो ऐसा आपके दोस्त ऐसा क्या करते हैं कि आज आपको उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आ रहा है? मैम साथ देते एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है धन्यवाद गौरव शेयर करने के लिए। अब दूसरे स्कूल के बच्चे बताएं कि क्या ये जरूरी है लोगों को बताना कि हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं? क्या उन लोगों को बताना ऐसा जरूरी है? जी ऐसी ठंडा आप बात करें आपको अनम्यूट कर दिया गया है। यही ठंडा जी ऐसी थंगार से कोई बच्चे माइक ले लें। जी माइक ऑन कर लें। आप माइक ऑन कर लें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है माइक ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? माय नेम इज आकाश। जी आकाश तो जैसा आपने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज अपनी ताई जी के प्रति बहन के प्रति दोस्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखा। तो यदि हम उस व्यक्ति को बताएंगे जिनके लिए हम ऐसा महसूस करते हैं तो उन्हें कैसा लगेगा उस समय? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो क्या हमें बताना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनके प्रति हम कृतज्ञ हैं? यस मैम। ठीक है और आकाश यदि आपके लिए कोई बोले कि आकाश ने हमारी सहायता की है इसलिए उसके प्रति हम ऐसा भाव रखते हैं तब आपको कैसा लगेगा? मैम मुझे भी अच्छा लगेगा।
तो आप किसके प्रति ऐसा भाव रखते हैं आज? अपने दोस्त के प्रति। अच्छा, दोस्त के प्रति। क्या दोस्त के अलावा और कोई है आपके परिवार से या आपके समुदाय से? अपनी बहन के प्रति। जी, आपकी बहन के प्रति। तो ऐसा भाव क्यों है आज उनके प्रति? क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत सारे चीजों में मदद की है। हाँ, उन्होंने आपकी मदद की है, आपकी मदद वो करती होंगी। ठीक है, धन्यवाद आकाश। तो अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो जितने भी बच्चों ने लिख लिया है चिट पर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीचर से कि आप लोग ने जो चार्ट पेपर का अरेंजमेंट किया था उस पर आप ये सब पेस्ट कर दें, और उसको किसी दीवार पर आप पेस्ट कर सकते हैं, और आप गूगल फॉर्म के जरिए उस कृतज्ञता की दीवार की फोटो जो है हमसे साझा कर सकते हैं। उसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता है बच्चों से पूछ के, उस दीवार का नाम जो भी वो रखना चाहें। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि दैनिक जीवन में सभी बहुत व्यस्त होते हैं और समय नहीं मिल पाता है आभार व्यक्त करने का या किसी को धन्यवाद कहने का, पर यदि हम थोड़ा सा समय निकालें और हम लोगों को बताएं कि हम उनके प्रति कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनका दिन बहुत अच्छा जा सकता है, उनको काफ़ी बेहतर महसूस हो सकता है आपके उस शब्दों से। उन्हें पता चल सकता है कि वो कितना महत्व रखते हैं आपके जीवन में। तो अब से हम प्रयास करें कि हम लोग लोगों को बताएं हम उनके प्रति कैसा महसूस करते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि कल क्या है? जीआईसी चंबा से कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा कल क्या करने वाले हैं हम आनंदम की कक्षा में? अगर जीआईसी थंगधार के बच्चे माइक ऑन कर पा रहे हैं तो प्लीज वो शेयर करें। जीआईसी थंगधार, मैम कल अभिव्यक्ति दिवस है। कल अभिव्यक्ति दिवस है, तो हम लोगों ने क्या इस हफ्ते का मूल्य रखा है अभिव्यक्ति के लिए? मैम कि हम साहसी हैं, हमने कभी पर्यावरण के प्रति एक दूसरे के प्रति साहस दिखाया है। धन्यवाद आकाश, आपने सही बताया कि अभिव्यक्ति दिवस है कल। और जिन भी बच्चों ने अभी तक भी प्रश्न नहीं लिखा, एक बार और मैं प्रश्न उनके लिए दोहराऊंगी, और मैं उम्मीद करूंगी कि कल सभी बच्चे इस पर अपनी अभिव्यक्ति। जी जी जी, आईसी चंबा से गौरव जी। yes, मैम। गौरव, कौन से मूल्य पर कल हम चर्चा करेंगे? अभिव्यक्ति दिवस। हाँ, अभिव्यक्ति दिवस है, पर कौन से मूल्य पर कल हम चर्चा करेंगे? तो गौरव ने आज एक दूसरे से संवाद। अच्छा, और गौरव के सहयोगी मित्र कुछ बताना चाहेंगे कि कल किस मूल्य पर हम अभिव्यक्ति करेंगे? यस मैम, बताना चाहेंगे। जी जी, माइक दे दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? माय नेम इज किसान। जी जी जी, बताइए। मैम कल व्यक्ति दिवस है। हाँ, कल अभिव्यक्ति दिवस है, कौन से मूल्य पर अभिव्यक्ति करेंगे हम? एक दूसरे के समानता। एक दूसरे के समानता।
अच्छा ठीक है, तो जीआईसी चंबा और जीआईसी और भी स्कूल के विद्यार्थी इसको प्लीज अपनी डायरी में लिख लें, हमारा इस हफ्ते का जो मूल्य है वो समानता नहीं है, वो साहस है, और साहस पे हम कल अभिव्यक्ति करेंगे। तो प्लीज आप प्रश्न को सही से अपनी कॉपी में लिख लें, क्या आप साहसी हैं? ऐसी कोई घटना साझा कीजिए जहां आपने स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति या पर्यावरण के प्रति साहस दिखाया हो। और मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे इस पर तैयारी करके आएं। आप लोग गीत के रूप में भी बता सकते हैं, आप कोई पोयम के रूप में भी बता सकते हैं, जिस भी भाव से आप एक्सप्रेस करना चाहें आप बता सकते हैं, और शिक्षक भी इसमें विद्यार्थियों की मदद करें। आप सभी बच्चे GAHS धौलपुर से कोई शेयर करना चाहते हैं क्या बच्चे? आप लोगों को आवाज आ रही है GAHS धौलपुर? ऐसे कर दें यदि आवाज सुन पा रहे हैं तो। हाँ आवाज तो आ रही है, आप में से कोई विद्यार्थी साझा करना चाहेंगे आज किसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपने दिखाया है? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मच्छरलाल कुमार है जी। अच्छा दोस्त के बारे में जी बताइए। मैम मेरा दोस्त सागर है, वो बहुत अच्छा है, वो हर चीज मेरी मदद करता है और मेरे संग ही ज्यादातर खेलता रहता है। तो अभी सागर है क्या आपकी क्लास में? यस मैम। सागर को प्लीज माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सागर, अभी कैसा महसूस हो रहा है? आपके दोस्त ने आपके प्रति कृतज्ञता का भाव जाहिर किया है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा के अलावा किसी और शब्द का प्रयोग करें। ये दोस्ती के नाते मैं इसको थोड़ा बहुत पेन वगैरह वगैरह दे देता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है सागर, धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो अब हम लोग चेकआउट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय अब कम है। सभी बच्चे वापस से आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। किसी को आंखें बंद करने में तकलीफ है तो नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। आज जो भी हमने चर्चा करी उसके बारे में हम सोचेंगे कि आज हम लोग कृतज्ञता की दीवार जो हमने बनाई है या अभी कुछ विद्यार्थी बनाएंगे उसमें किन किन लोगों के प्रति हमने कृतज्ञता का भाव आज रखा है, उन लोगों ने कैसे जीवन में हमारी सहायता की है और उनकी वजह से कैसे हम और अच्छे से अपने जीवन में आगे के कार्य कर पा रहे हैं। हम सोचेंगे यदि उनका सहयोग हमें ना मिल पाता तो क्या हम सुचारू रूप से जीवन में कार्य कर पाते। अपने मन में उन सभी को हम धन्यवाद कहेंगे। अब जब भी आप सब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं और घर पे जाकर भी आज आप कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं उन लोगों को जिनके बारे में आपने बताया, और कल आप बता भी सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा आपके शेयर करने पर।
अब मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन पर जो गूगल फॉर्म आप डेली भरते हैं उसको आप भर दीजिए, और साथ ही बच्चों ने जो आज कृतज्ञता की दीवार बनाई है उसकी भी फोटो आप जरूर साझा कीजिएगा। उसको किसी ऐसी जगह पर आप चिपका सकते हैं जहां पर विद्यार्थी उसको डेली देख पाए। धन्यवाद बच्चों।